के तौर पर ट्रीट करूं, और अगर उस चीज के अंदर कोई दो तीन की बात आती है तो मुझे लगता है कि प्रदेश के हित के लिए हमें आंकड़ों पे अड़ना नहीं पड़ेगा। और जहां जो आपने नंबर बताए 220 की बात है, या जो अखबार में और ट्विटर पे छपा कि दिल्ली में एक की बात आई, मुझे लगता है ये ना मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। तीन सदस्य कमेटी ही निर्णय लेगी प्रत्येक सीट का आंकलन करके कि हम किस पर मजबूत हैं और कोई राजनीतिक दल किस पर मजबूत है। और अगर हमें हरियाणा की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए तो एक सीट का सैक्रिफाइस भी करना पड़ा, तो मुझे लगता है कि देश हित बड़ा है। आज बीजेपी ने जिस तरह का माहौल देश में बना रखा है, हैरानी यह है कि 53 जवान मिलिट्री के, पैरामिलिट्री के और एयरफोर्स के पिछले दो हफ्ते में शहीद हुए, और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी मोटरसाइकिल यात्रा निकालकर विंग कमांडर अभिनंदन के वापिस आने का उत्साह बना रही। आज उन लोगों को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो 53 जवान शहीद हुए हैं उसके बदले में आप कहते हैं कि हमने 300 मार दिए। एक अखबार कहता है कि 350 मार दिए, वहीं डिफेंस कमेटी पार्लियामेंट के अंदर ये कहती है कि हमारे पास औपचारिक आंकड़े नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कहते हैं कि 250 लोग मरे, और उन्हीं के ही केंद्र के मंत्री श्री आलूवालिया जी ये कहते हैं कि वहां कोई नहीं मरा। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी नेशनलिज्म के नाम पर इस पूरे सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए कि हमारे बॉर्डर्स को हम मजबूती से कैसे सिक्योर करें। हरियाणा प्रदेश के 4 जवान शहीद हुए, और इस पूरे वाक्य के अंदर मुझे लगता है कि जो ये मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके मंत्री हर रोज मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये उनकी शहादत का दुख नहीं बना रहे, पर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए उत्साह बनाने का काम। आई एन डी के साथ जहां अलायंस की बात है, मुझे पहले भी इसको पूरी तौर पर नकारा है, आज भी नकारता हूँ, जननायक जनता पार्टी का इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ अलायंस नहीं। आपके सवाल की बात है, मिलने गया हूँ नहीं मिलने गया हूँ, मैंने पिछली बार भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये कहा था कि मेरे को इस पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है कि मैं मिलने गया हूँ नहीं मिलने गया, पर जब उनने ये बात कही है कि मैं झूठा हूँ, मैं कभी उनसे मिला नहीं, तो मैं आज औपचारिक तौर पर आपके बीच में क्लियर करूँ, मैं मेरे पिताजी से मुलाकात करने गया था, और उस दौरान चौटाला साहब मौजूद थे, उनके साथ नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे, और उनके साथ मेरी जो सबसे बड़ी बुआ जी वो मौजूद थी, और मेरी उनसे मुलाकात हुई, और एक बार नहीं 3 बार इस पीरियड के बाद उनसे मुलाकात हुई। एक बार मैं औपचारिक तौर पर जब वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी तब मैं मिलकर आया, और मुझे लगता है ये चीज उनकी कहनी मैं झूठा हूँ, और हॉस्पिटल में कह रहा हूँ कि जो रिसेंटली हॉस्पिटल में एडमिटेड थे उस समय की बात नहीं, जब हमें निष्कासित कर दिया गया था उसके सस्पेंशन और निष्कासन के बीच में मैं उनसे मिलकर आया था, और मेरी मुलाकात राजनीतिक तौर पर नहीं थी, पारिवारिक तौर पर थी। पारिवारिक तौर पर मैं उनसे मिलता रहूंगा, अगर वो कोई रोकने का प्रयास करेगा या बाउंडेशन करने का प्रयास करेगा तो भी मुझे खून के रिश्ते से कोई दूर नहीं रख सकता, मगर जहां राजनीतिक तौर की मुलाकात है मैं उसको पूरे तौर से नकारता हूं कि मेरी और इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो की राजनीतिक तौर पर कोई मुलाकात पिछली हिस्ट्री में हुई नहीं। और जहां आपके दूसरे सवाल की बात है, बड़ा क्लियर है कि हमारे रिश्ते राजनीतिक तौर पर अलग हैं, और आज के दिन हमारा एक ही विचार है कि हम प्रदेश की जनता के हित के, प्रदेश की उन्नति के लिए किस प्रकार से संकेत होकर आगे बढ़े। सर आपकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी को जरूर से ज्यादा नेताओं का 100 में
दूसरा ये कि जो अन्य पार्टियां जो एयर स्ट्राइक पे मानता रही थी, बताया जाए कितने आंकड़े बताए, तो आप क्या आप इस पक्ष में? ना तो मैं आंकड़ों के पक्ष में हूँ, ना मैं एयर स्ट्राइक के पक्ष में। आज सबसे जरूरी चीज जो है वो केंद्र सरकार के पास अभी भी 26 मई तक का समय है, और अगर केंद्र सरकार जिस तरीके से होर्डिंगें लग रही है, फोटो जनरेट हो रही है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बम बम मोदी, इस तरह की जो बातें करी जा रही है, अगर इतनी सीरियस है 370 और 35 ए के प्रति, तो हम सुप्रीम कोर्ट के इंतजार में क्यों बैठे हैं? दो दिन का स्पेशल लोकसभा और राज्यसभा का सेशन प्रधानमंत्री बुलाए, और मेरे ख्याल से राष्ट्रीय हित के लिए कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होगी जो उनका समर्थन करने का काम नहीं करेगी। अगर इस देश में रातों रात जीएसटी पास हो सकता है, इस देश के अंदर बड़े बड़े संवैधानिक बदलाव आ सकते हैं, तो अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को सबसे पहले जो उनकी घोषणा पत्र का हिस्सा था 370 और 35 से, उसको हटाने के लिए कदम उठाने। आपके दादाजी ने कहा कि आप और आपके छोटे भाई पिछले 3 साल से लगातार पार्टी में ये जो बगावत वाली बात कर रहे थे और आपको बहकाया गया, मतलब आपके दादाजी क्योंकि आपको ज्यादा जानते हैं हमारे से ज्यादा, उन्होंने कहा कि आपको बहकाया गया इसलिए वो अपने दूसरी पार्टी जो उन्होंने बनाई उसको गई, और एनएलडी को जो विच्छेद करने का प्रयास किया वो लगातार 3 साल से चल रहा है। तो आपके माध्यम से एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा दादाजी से, जिन लोगों ने ये बात कही, मैं तो आपको बोला जब रिलेशन की बात आएगी तो मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, किसी पार्टी के अध्यक्ष की बात आएगी तो जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर इस तरीके से कहा गया कि बहकाया गया, हम पे पहले ये आरोप लगा कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम करें, फिर ये आरोप लगाया गया कि हम तो कांग्रेस के एजेंट बनकर काम करें, फिर ये आरोप लगाया गया कि हम कुछ लोगों द्वारा बरगलाए गए हैं, बहकाए गए हैं। मैं बड़ा स्पष्ट करूं, निष्ठा के साथ एक पार्टी की हमने सेवा करी है जन्म से लेकर 4 महीने पहले तक करी, और इसी सोच के साथ करी कि संगठन आगे बढ़े। अगर वो संगठन हमें बाहर का रास्ता दिखा देता है तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी बनती नहीं कि हम अपने आप को राजनीतिक तौर पर एक्टिव रखे, अलाइव रखे? और जिन लोगों ने कांग्रेस की बात, बीजेपी की बात करी, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आज उनकी पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं कि हम बीजेपी से अलाइंस करने को तैयार हैं। इतिहास में गठबंधन होते रहे, जननायक जनता पार्टी बहुत ऐसी पार्टी है जो पहले दिन से कहती है कि हम ना तो कांग्रेस के साथ जाएंगे ना बीजेपी के साथ जाएंगे। अब इन परिस्थितियों में मुझे ये तो बताओ कि बीजेपी का और कांग्रेस का एजेंट या बरगलाने का काम कौन कर रहा है? हम तो बहुत स्पष्ट सोच के साथ प्रदेश में कैसे बदलाव आए, युवा के हाथ में रोजगार कैसे आए, बुढ़ापे में बुजुर्गों को पेंशन समय पे और घर आकर कैसे मिले, उनका सम्मान बढ़े, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हरियाणा में बढ़े, आज हम एनसीआरबी के डाटा में नंबर 5वें पे आते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध, उस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए जिससे व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, उस व्यवस्था को कैसे बनाया जाए जहां हरियाणा प्रदेश के पुलिस विभाग को छोड़ के एक ऐसा महकमा नहीं है जो आज धरने पे बैठा ना। इन तमाम चीजों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया था कि आज बदलाव के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, और इस देश में अनेकों बार ऐसे रेवोल्यूशन आए जिसका नतीजा बीजू जनता दल है, वो कांग्रेस से अलग हुई, रेवोल्यूशन उड़ीसा की जनता के लिए लेकर आई, तेलुगु देशम पार्टी है, असम गण परिषद है, आम आदमी पार्टी है, और मुझे लगता है कि आज हरियाणा प्रदेश की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स का स्वरूप देने के लिए एक नई उदय हरियाणा प्रदेश में आए, एक नई सोच के साथ परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में आए, इसके लिए काम करने के लिए हम सब एक हुए। और इस एकता के अंदर जैसे हम पे कहा जाता है तो बच्चे हैं 200-300 बच्चे कूद रहे हैं, आज वो बात नहीं, हमारे पास मैच्योर डायनेमिक और यंग के साथ साथ एक्सपीरियंस लोग भी हमारे संगठन में शामिल,
जिसमें चाहे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से लेकर कर्मचारी हो, चाहे फॉर्मर मिनिस्टर एमएलए से लेकर आज के सिटिंग एमएलए एमपी हो, और इन सब लोगों को मिलाकर एक समूह तैयार हुआ। और वो समूह मेरे ख्याल से आज के दिन इस प्रदेश के अंदर एक मजबूत पार्टी के तौर पर बहुत कम समय में खड़ा हुआ है। लोगों ने मुझे बहुत कहने का काम किया कि ये नए संगठन की शुरुआत का रिस्क नहीं लेना चाहिए, मगर हमें लगता है कि तमाम साथियों ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय था, और आज उसका नतीजा है इस कम समय के अंदर हमने इतना अच्छा परफॉर्म भी किया है और अपने संगठन को